मगर इन हाउसवाइफ के बारे में मैं दो लाइन कहना चाहती हूँ कि दुनिया कहती है हाउसवाइफ क्या करती है घर में, दुनिया कहती है हाउसवाइफ क्या करती है घर में, पर जब वो करना चाहे तो बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। जिसका एग्जाम्पल हमारे नैना श्याम अजमेरा मैम है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ नैना श्याम अजमेरा मैम का, जो प्लेटिनम लेवल पे है फ्रेंड्स, और 1 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं। इन्होंने कार फंड को भी अचीव किया है, और नैना श्याम अजमेरा अपने टीम को लेके नेशनल लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं अपना बिजनेस। तो वेलकम करना चाहती हूँ आपका नैना श्याम अजमेरा मैम। ओवर टू मैम। जी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि मैम, क्या खूब लाइंस बोले हैं। सच में एक लेडीज ही एक लेडीज को जान सकती है, एक लेडीज ही जान सकती है कि एक लेडीज की ताकत क्या होती है करने की। आप देख रहे हो कि डॉक्टर अंजलि मैम डॉक्टर की प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे से मोदी करके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे का साथ देते देते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमें भी कभी कभी दिल को पूछना पड़ता है, क्या सच में जो कुछ हो रहा है ये सही में हो रहा है, ये क्या रियल फैक्ट है। तो ये है फ्रेंड्स मोदी केयर का जादू, ये है अपनों के साथ का जादू जो मोदी केयर में मिलता है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो काफी कुछ डॉक्टर अंजलि जी ने आपको बता दिया है। मैसेल्फ नैना अजमेरा नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। 2 साल पहले फ्रेंड्स सिंपल सी हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ वैसे तो कोई भी सिंपल नहीं होती है, हाउसवाइफ को तो जितने रिवॉर्ड दिए जाए उतने कम है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ करना भी तो बनता है, क्योंकि लेडीज में मल्टीपल क्वालिटीज होते हैं। जैसे अंजलि मैम ने बताया, एक लेडीज अगर चाहे तो बखूबी संसार निभाते निभाते बहुत कुछ करके निकल सकती है। तो वैसे ही फ्रेंड्स 2 साल पहले हाउसवाइफ थी, बहुत अच्छे से घर संसार चला रही थी, नो डाउट बहुत अच्छी लाइफ थी। वो करते करते कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि कुछ तो भी जिंदगी में ऐसा करना है जिसकी वजह से ना सिर्फ जिंदगी में पैसा आए बल्कि नाम भी हो जाए, क्योंकि नाम हर किसी को अच्छा लगता है। आप मुझे बोलिए, आज आप मुझे जो यहाँ पे देख रहे हो, मेरे चेहरे पे किसी को भी ये नहीं लग रहा होगा कि मैं टायर्ड हुए वाली हूँ। पूरा दिन आज फील्ड में जाके काम करके आई हूँ, लेकिन फिर भी ये चेहरे की चमक जैसे की वैसे है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि अगर आपको मालूम है कि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं कि आपको सुनने के लिए लोग बैठे वाले हैं, तो आपकी थकान जो है वो थकान आपको महसूस ही नहीं होती है। ये है मोदी केयर की पावर। मोदी केयर हर वो चीज देता है जो आपको बाहर कहीं नहीं मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अभी मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हो, नए लोगों को अगर लेवल नहीं मालूम होगा तो बहुत अच्छा लेवल है। नाम भी आपको दिख रहा है कि कितना खूबसूरत नाम है। नाम के साथ साथ बात करते ही कि अचीवमेंट क्या क्या है, 2 साल में मैंने क्या क्या अचीव किया है मोदी केयर से। लगाया कुछ नहीं लेकिन पाया बहुत कुछ है, तो क्या पाया है वो पहले जानेंगे। मैं आज मिलेनियर क्लब में एंटर कर चुकी हूँ। 1 लाख प्लस की इनकम हर महीने मेरे घर में आ रही है। हर महीने के 8 से 10 तारीख के बीच में पूरी फैमिली वेट करती है कि कब हमारा जो बोनस है वो शो करेगा। क्यों इतना वेट क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि 1 लाख के ऊपर इनकम घर में आना ये कोई जोक नहीं है। मैं मानती हूं कि आज की डेट में 1 लाख बहुत बड़ी रकम भी नहीं है, लेकिन 1 लाख बहुत छोटी रकम भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 10,000 के लिए भी लोग दिन दिन भर काम कर रहे हैं। अगर 10,000 के लिए दिन दिन भर लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर 1 लाख तो बहुत बड़ी इनकम हो गई। मेरे लिए तो सच में बहुत बड़ी इनकम है। तो उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जैसे अंजलि मैम ने बताया कि मैं कार फंड अचीवर हूँ। 10 से 12 लाख की गाड़ी कंपनी ने बोल दिए है, मैम जब लेना चाहो तब ले लीजिए, हमारे पास से आपकी परमिशन निकल चुकी है। देखते हैं कि हमारे जीबीडी ममता दीदी जब भी हम लोगों को आदेश देंगे कि इस दिन आपको ये गाड़ी लाना है घर पे, उस दिन हमारी गाड़ी आ जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स कि हमने नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप मलेशिया और गोवा दोनों भी मैंने अचीव कर लिए है। अंजलि मैम मेरी आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में किसी ने डाला है कि आवाज क्लियर नहीं है। यस यस क्लियर है मैम। क्लियर है, थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए नैना। ओके ओके एक एक मिनट जी। ममता दीदी आप ठीक है? हाँ आप ठीक है। ओके
फ्रेंड्स थोड़ी बहुत अगर आवाज कम ज्यादा भी है ना तो यहां से सुनिए, यहां से नहीं सुनाई दे रहा है ना तो यहां से सुनिए, जरूर आपके दिल तक मेरी आवाज पहुंचेगी, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है दिल तक दिल की बात जाती है। ये हम सब एक्सपीरियंस रोज कर रहे हैं और आज आप भी लोग करके देखिए, इसको एक्सपीरियंस करके देखिए। तो बात आ रही थी कि अचीवमेंट में हमने बहुत कुछ पा लिया है और लगाया क्या, कुछ भी नहीं लगाया है, एक रुपया घर का हर कोई मेंबर नहीं। यहाँ आज जितने भी मेंबर आपको नजर आ रहे पार्टिसिपेंट में, किसी को भी पूछ लीजिए, मोदी कह रहे समीर मोदी जी ने, उनके सीनियर्स ने, क्या उनके पास से कुछ ज्वाइनिंग के लिए पैसा लिया है, क्या मोदी केयर में करियर बनाने के लिए किसी को कुछ पैसा देना पड़ा है? नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं देना पड़ा है। फ्रेंड्स ऐसा एक भी बिजनेस नहीं हो सकता है दुनिया में कि आप कुछ ना दो लेकिन बदले में आपको इतना कुछ मिले जो आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। मैं ये नहीं बोलूंगी फ्रेंड्स कि बिजनेस बहुत ईजी है, नहीं, ईजी तो कोई चीज नहीं है। अगर हमें सादा खाना भी बनाना है तो वो भी इजी नहीं है, उसके लिए भी हमें कितनी प्रोसीजर करना पड़ता है, 2 से 3 घंटे हमें लग जाते हैं 4 लोगों का खाना बनाने में, क्या वो इजी है? लेकिन फिर भी हम खाना बनाते हैं। कौन सा काम जिंदगी में आपको लगता है कि वो बहुत इजी है? कोई काम इजी नहीं है। सिर्फ एक काम दुनिया में इजी है कि अपने नसीब पे रोना, ये इजी काम है। अगर वो इजी लगता है तो वो कर लीजिए और जिंदगी भर नसीब पे रोते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा टफ काम करके नसीब को बदलना है, जिंदगी को बदलना है, तो मोदी केयर को अपना लीजिए। आपको आज जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, अगर आपको मोदी केयर समझ में नहीं आया है अभी तक, तो फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जिसने आपको मोदी केयर में लाया है, अगर आप मोदी केयर नहीं करोगे फ्रेंड्स तो उसको तो और भी दूसरे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने मोदी केयर छोड़ दिया तो आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे शायद जो आपके जिंदगी में यहाँ पे स्वर्ग लाने का काम करेगी। तो उसे समझने की फिर से कोशिश कीजिए। जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसका कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है। भगवान ने उसे आप तक पहुंचाया है, ये एक मार्ग है, एक जरिया है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो उसे अपना लीजिए, मन खोल के अपना लीजिए, भरोसा करके अपना लीजिए और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, आज मेरे चेहरे पे थकान नहीं दिख रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है? इसके पहले जब मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे शेयर की थी तो मैं सिर्फ अकेली थी, सिर्फ और सिर्फ वन मैन था, एक ही मेंबर था जो सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए सामने बैठा था। लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूं, तो यहाँ पे कारवा कैसे बनता है देखो। मैंने 2 हाथों से काम शुरू किया था, लेकिन आज इतनी बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, इतना प्राउड का मूमेंट है कि मेरे साथ मेरे टीम के बहुत से लीडर्स यहाँ पे, जो 5-5 मिनट में आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने कम टाइम में उनके जिंदगी में मोदी केयर से कैसे खुशियां घर पे लाई है। हो सकता है उनकी कोई बात आपके दिल तक आ जाए, हो सकता है कोई एक बात मेरी कोई दिल के दिल तक आ जाए और आपकी जिंदगी वहां से बदलना शुरू हो जाए। फ्रेंड्स एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 15 से 20 मिनट जो मैं आगे बात करने वाली हूँ, इस कान से सुन के इससे कभी नहीं निकालना है। अगर यहाँ से सुन के यहाँ से निकालोगे तो हजारों सक्सेस स्टोरीज भी अगर हम लोग सुन लेंगे तो भी हमारी जिंदगी जैसी है वैसे ही रहेगी। सक्सेस स्टोरी बोलने वाला हर बार बदल जाएगा, लेकिन हम सुनने वाले सिर्फ सुनने की जगह पे ही रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सुनने की जगह से उठ के यहाँ पे बैठना है और बोलने की जगह को अपना लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कान से जो आप सुन रहे हो वो यहाँ तक जाने दीजिए, ना सिर्फ जाने दीजिए, उसे फॉलो कीजिए, तब कहीं जाके जिंदगी में मिरेकल होते हैं। हम सुनते हैं अक्सर कि सक्सेस स्टोरी सुन के, मोटिवेशनल स्टोरी सुन के उसकी जिंदगी में बहुत बदल आया, उसने मोदी केयर में बहुत काम तेजी से शुरू कर दिया। वो क्यों होता है? सक्सेस स्टोरी तो हजारों लोग सुनते हैं, स्टेज पे एक इंसान बोलता है सामने हजारों सुनते हैं, लेकिन हजारों की कभी जिंदगी नहीं बदलती है। हजारों में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनकी वो सक्सेस स्टोरी सुन के जिंदगी बदलती है। तो इसको समझिए, गहराई से समझिए कि वो लोगों की क्यों बदलती है। ऐसे तो नहीं कि बाकियों ने पाप किया है और उन्होंने पुण्य किया है, नहीं, इसलिए बदलती है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, यहाँ से सुन के यहाँ तक जाने दिया है और उसको फॉलो किया है। तो आज हमें वही करना है जो भी मैं और मेरे लीडर्स आप लोगों के लिए जो लेके आए, हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस जो हम बताने आए। तो दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ उसे बहुत अच्छे से सुनिए और हो सकता है कोई ना कोई एक आधा पॉइंट आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी
जो रफ्तार है, आपकी जो स्पीड है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत काम आ जाए। फिर बात आती है फ्रेंड्स, जैसे डॉक्टर अंजलि मैम ने बोला कि मैंने मिलेनियर क्लब में एंटर कर लिया है, मैं लाख रुपए प्लस की इनकम ले रही हूँ, ये जो जादू हुआ, ये जो मिरेकल हुआ, ये क्यों हुआ? इसके पहले इसका सीक्रेट क्या है? इसके पीछे क्या मंत्रा है? हर काम के पीछे, हर सक्सेस के पीछे कोई ना कोई सीक्रेट होता है। ऐसा सीक्रेट होता है जो सिर्फ आपको मालूम होता है, लेकिन मोदी केयर इतना दिलदार है, यहाँ पे कोई सीक्रेट, कोई लीडर छुपा के नहीं रखता है। हर सीक्रेट आप तक पहुंचता है जो हमने किया है, और हमें जो रिजल्ट आए हैं, हम चाहते हैं कि आपको हमारे से डबल आए, दुगने आए, डबल स्पीड से आए। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बेसिक काम होते हैं वो हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो जीबीडी होने दीजिए, चाहे वो प्लेटिनम डायरेक्टर होने दीजिए, चाहे वो 7% होने दीजिए, हर किसी को ये काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसके जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस मोदी केयर से आएगा। वो काम क्या है? डेमो करना पड़ेगा। डेमो किट अगर आपने नहीं ली है तो सबसे पहले तो डेमो किट को ले लीजिए, क्योंकि वही मैजिक का बॉक्स है, जिस मैजिक के बॉक्स से लाखों की इनकम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। अगर वो बॉक्स नहीं लोगे मैजिक का, वो डेमो किट अगर नहीं लोगे, तो वो मैजिक आपके लाइफ में नहीं होगा। तो डेमो किट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे सीनियर्स बताते, जिसका होगा डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम हमारा दिमाग लगाते हैं, हमको लगता है कि डेमो किट के लिए बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी एक डेमो किट सेल हो जाना, कंपनी की एक डेमो किट अगर सेल हो जाती है तो आपको क्या लगता है, एक 500 के डेमो किट से क्या लाखों का टर्नओवर वहां पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो क्यों आपके लिए बता रहे हैं, मेरे लिए बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है लाखों की इनकम जो ले रहे हैं, उन्हें ये अच्छे से मालूम है, ये इनकम सिर्फ उस जादू के पिटारे से आ रही है जिसका नाम है मोदी केयर। उसको मैंने भी बहुत अच्छे से फॉलो किया। फिर मैंने मैजिक कॉर्नर बनाया। मैजिक कॉर्नर क्यों बनाया? क्योंकि हमारे लीडर्स बोल रहे थे, आपके घर की दुकान छोटी सी आपके घर में लगा लो, ताकि कोई आता है तो आप उसे बता सको कि मोदी केयर के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मोदी केयर में कितनी बड़ी रेंज है। अगर आप दिखाने का बिजनेस है, हर ये बिजनेस ही नहीं, आप कुछ भी देख लीजिए, सादा अगर आप देख रहे हो, आप मुझे बोलिए, जो ज्ञान ज्ञान जहां से लिया जाता है, एजुकेशन जहां से लिया जाता है, वो क्या एडवर्टाइज करने का बिजनेस है? उसको तो नीड ही नहीं होना चाहिए एडवर्टाइज करने की। लेकिन आज आप देख रहे हो, हर जगह पे कोचिंग्स की एड हो रही है, हर जगह पे स्कूलों की एड हो रही है, हर जगह पे बड़े बड़े कॉलेजेस के बैनर लग रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज ही तो कर रहे हैं ना। वो लोग क्या कर रहे हैं? शो ही तो कर रहे हैं ना। तो वही तो काम आपको और मुझे करना है। अगर इतने बड़े बड़े लोग एडवर्टाइज करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको और मुझे मैजिक कॉर्नर बना के एडवर्टाइज करने में क्या दिक्कत है? वहां पे कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट तो हमें बोल रहा नहीं कोई करने के लिए। आपके घर का जो सामान लगता है वही लाके तो वहां पे रैक में आपको सजाना है। फिर उतना अगर हम लोग नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं भी हम लोग नहीं रख सकते हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते हो टीवी में, हम एडवर्टाइज कितने शौक से देखते हैं, जो अक्षय कुमार है वो टॉयलेट क्लीनर की एड कर रहा है। क्या टॉयलेट क्लीनर की एड करना उसके इमेज को, उसके स्टेटस को शोभा देता है? नहीं। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसने प्रोडक्ट तो देखो कैसा चुना है, उसने ये नहीं सोचा मेरी इमेज इतनी है, मेरा स्टेटस ऐसा है, मेरा लेवल ये है, और मैं टॉयलेट क्लीनर की अगर एड करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या बोलेगी? नहीं, उसने सिर्फ इतना सोचा, अगर ये एक मिनट में, आधा मिनट की ऐड रहती है, अगर मैं एक प्रोडक्ट टॉयलेट क्लीनर थोड़ी देर, थोड़ी सेकंड के लिए मेरे हाथ में पकड़ लेता हूँ और जुबान से उसके लिए चार शब्द अच्छे बोल देता हूँ, तो मेरे घर में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो इसीलिए तो वो वहां पे एडवर्टाइज कर रहा है। फिर आप मुझे बोलिए, अगर हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट को शेयर करके आपके और मेरे घर में लाखों की इनकम आ सकती है, तो क्या हमें एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए? फिर हम क्यों बोलते कि मेरे से ये काम नहीं होता है, मेरे से लोगों को बताना नहीं होता है? इसको अगर करते हो तो ही मोदी केयर आपको सक्सेस दे सकता है। समीर मोदी जी हर किसी को सक्सेस देने के लिए मोदी केयर यहाँ पे लाए हैं, लेकिन सक्सेस उसी को मिलेगा जो ये बेसिक जो है उसको फॉलो करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, प्लान डेमो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बोलते ना, जितना आप घर से बाहर रहोगे उतनी लक्ष्मी घर के अंदर आएगी। तो उस सेंटेंस को यहाँ पे फिट कर लीजिए, जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपके पास लक्ष्मी अंदर आने के लिए रेडी नहीं है।
लक्ष्मी जी का कमिटमेंट है हर किसी के साथ, जो जितना मेहनत करने के लिए घर के बाहर रहेगा उतना मैं उसके घर के अंदर आके खुशियां दूंगी। अगर आपको लगता है उनको इनवाइट करना है तो सिर्फ पूजा करने से किसी के घर में लक्ष्मी जी आज तक नहीं आए हैं। पूजा के साथ साथ, श्रद्धा के साथ साथ अगर आप आपके कर्तव्य को निभाओगे, अगर आप आपके ड्यूटी को पूरा करोगे तो ही लक्ष्मी जी बहुत अच्छे से हंसते खेलते और परमानेंट आपके घर पे आएगी। तो हमें ये वाला काम भी करना होगा। उसके बाद 100% पर्सनल यूजर बनना पड़ेगा। देखो मुझे तो सक्सेस स्टोरी बोलने के लिए बोला है, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं, मेरी सक्सेस स्टोरी बोलने से ज्यादा बेटर है मैं वो पॉइंट आज के मेरे सेशन में डालूं जो पॉइंट को सुन के आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो जाए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आज के सक्सेस स्टोरी का फायदा हो जाए। क्योंकि मैं, मुझे क्या क्या हुआ, मुझे क्या परेशानी आई, या फिर मैंने कैसे काम किया, लोगों ने मुझे कैसे इनकार किया, ये सारा कुछ सुन के आपका कोई फायदा नहीं होना है। आपका फायदा कब होगा, जब आपको ये समझेगा कि यहाँ पे क्या करने से क्या होता है, तो आपका फायदा है मुझे आधा घंटा सुन के। तो इसीलिए कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, हर वो बात बता सकूं जो मेरे दिल के अंदर है, वो जो सच में रियल फैक्ट है कि जो मैंने किया है। तो फिर उसके बाद आते हैं कि 100% पर्सनल यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप मोदी केयर का एड दिखा रहे हो स्टेरिक्लीन का और आपके घर में पोछा लग रहा है लाइजॉल से, तो लाइजॉल से पोछा लगा रहे हो घर को और बाहर के लोगों को बोल रहे हो कि हमारे मोदी केयर के स्टेरिक्लीन से लगाइए, तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। क्योंकि लक्ष्मी भी उसी का साथ देती है जो यहाँ जुबान पे सरस्वती रखता है, जो सच बोलता है, जो ईमानदारी से काम करता है। अगर यहाँ पे उसको झूठ बोल रहे हो और आपके घर में तो आप लाइजॉल यूज कर रहे हो और उसको बोल रहे हो मैं भी स्टेरिक्लीन यूज करती हूँ, यूज करता हूँ, तो आपको भलाई वो नहीं समझता है, उसे नहीं मालूम है आपके घर में क्या है, लेकिन वो बड़ा कैमरा जो ऊपर बैठा है ना वो सब कुछ देख रहा है। अगर हम लोग इस तरीके से झूठी बात करके अगर काम करेंगे तो आपको मालूम है कि गलत काम करने से जो हमारे पास आता है वो कितने दिनों तक टिकता है और वो सच में क्या हमारे पास आता है, नहीं आता है। हमारे जीबीडी डॉक्टर ममता करवा हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि जो भी करना ऑनेस्टी से कीजिए। हो सकता है ऑनेस्टी के रास्ते में परेशानी आएगी, हो सकता है ऑनेस्टी के रास्ते में आपको बहुत सी बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्टी के रास्ते पे चल के अगर कुछ करोगे ना तो वो परमानेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। और परमानेंट सक्सेस ही हमें यहाँ पे लेना है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स, हमें मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स करना है। जो आप अभी मुझे सुन रहे हो ये क्या है, ट्रेनिंग ही तो है। इसी तरीके से ट्रेनिंग्स लेना है। ट्रेनिंग क्यों लेना है, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लोगे उतने ज्यादा कैपेबल हो जाओगे, उतना जितना बोलते हैं ना जितना नॉलेज रहेगा उतना आप लोगों को दे पाओगे। अगर आपको ही नहीं मालूम है कि मोदी केयर का स्टेरिक्लीन क्यों यूज कर रहा है तो लोगों को फील्ड में जाके क्या बात करोगे। सिर्फ डेमो किट नीले का सफेद पानी करके लोग नहीं मानते, उनको ये भी तो आपको समझाना पड़ेगा कि मोदी केयर का प्रोडक्ट ही क्यों आपको यूज करना है। और ये आप कब समझा पाओगे कॉन्फिडेंटली, जब आप मीटिंग्स ट्रेनिंग्स करके इस बातों का नॉलेज लोगे, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में मिलता है फ्रेंड्स। यूट्यूब पे आप सिर्फ वीडियोस देख सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज आपको फील्ड में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए होना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिल सकता है। और आप और मैं बहुत ज्यादा लकी है कि आपके पास और मेरे पास जूम सेशन है। आज हम घर बैठ के सो के आराम से लेटे लेटे भी यहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं। एक टाइम ऐसा था जो हमारे सीनियर्स थे उनको नॉलेज लेने के लिए घर से दर कदम कितनी दूर तक जाके उन लोगों को नॉलेज लेना पड़ता था। मैंने मेरी आंखों से देखा है, डॉक्टर ममता करवा ने जहां जब यहाँ पे कारवा शुरू किया था नया नया, तो उन्होंने कितनी मेहनत ली थी उनके टीम को एजुकेट करने के लिए, उन्होंने कितनी मेहनत ली थी ऑफलाइन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन आज आपके पास और मेरे पास क्या उतनी मुश्किलें है, नहीं है। बहुत अच्छा रास्ता आ चुका है, हमारे घरों पे बैठ के हम लोग एजुकेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि नॉलेज ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो फ्रेंड्स लक्ष्मी जी को भी टाइम नहीं है आपके घर के पास आने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के पास उनके कदम टर्न हो जाए, मुड़ जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जूम की ओर मोड़ना पड़ेगा खुद को, तब कहीं जाके वो भी आपके घरों तक आएंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स,
अगर मिलेनियर तो बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छे से मालूम है मिलेनियर बनने के लिए ये बेसिक लगते हैं, ये जीबीडी के लिए भी यही बेसिक लगते हैं, लेकिन बड़ी पोस्ट के लिए, बड़े सक्सेस के लिए हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बहुत ईजी बातें हैं। आप अगर अकेले कुछ करते हो तो छोटा सा काम, छोटा काम बनता है, लेकिन आप आपके टीम के साथ कुछ करते हो तो बड़ा काम बनता है, जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने लाइव एग्जांपल आ रहा है। मैं सिर्फ अकेली बात नहीं करूंगी, तो मेरे काफी टीममेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो अपने खुद को यहाँ पे प्रूव करने आ रहे हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से काम अभी तक किया है। तो यहाँ पे जीबीडी की पोस्ट लेने के लिए, बड़ी बड़ी रकम लेने के लिए, ऐशो आराम लेने के लिए, खुशियां लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम वर्क करना इसका मतलब ये नहीं है कि टीम पे मक्तेदारी करना है, टीम पे हमें अधिकार गजाना है। टीम वर्क करना इसका मतलब ये होता है टीम के लिए काम करना है, ना कि टीम को काम करवाना है। टीम के लिए काम कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि आपकी टीम ही आपका असली आधार है अगर आगे बढ़ना है तो। अब कैसे करना है टीम के लिए? उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, जहां जहां वो कमजोर गिर रहे, जहां जहां उन्हें लगता है कि यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, आपकी ड्यूटी बनती है वहां पे खड़ा होना है उनके लिए। धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस को इतना बिल्ड कर दीजिए, वही छोटा बच्चा जो मोदी केयर में छोटा है, वो कुछ टाइम के बाद ऐसा यूथ जनरेशन में इंक्लूड हो जाएगा कि आपको वो आधार दे देगा आगे चल के। फिर से बोलती हूँ, ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। आज जितने मेरे टीममेट्स को आप सुनोगे, उनको मैंने छोटे बच्चे से बड़ा किया है, लेकिन आज वो सारे बच्चे आज मेरे कंधे का आधार बन के यहाँ पे आ गए हैं। तो सोचिए मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है। ये हर किसी के साथ हो सकता है, हर किसी के टीम में हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? पहले अपनी ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। हम ड्यूटी निभाने के लिए तो पीछे रह जाते हैं, और क्या करते हैं, हम रिवॉर्ड लेने के लिए आगे आ जाते हैं। रिवॉर्ड फ्रेम कभी आगे आके नहीं मिलता है। रिवॉर्ड तब मिलता है जब पहले हम पहला कदम कुछ करने के लिए उठाते, तो फिर ऑटोमेटिक हम लोगों को आगे से रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो टीम को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बहुत से मैंने देखे हैं अपने आप को बनाने में लगे हैं। मोदी केयर अपने खुद को बनाने का बिजनेस नहीं है। मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को बनाने का, लोगों को बनाने का यानी उल्लू बनाने का नहीं, लोगों को घड़ाने का बिजनेस है, लोगों को अच्छा बनाने का बिजनेस है, लोगों को हेल्प करने का बिजनेस है, लोगों को सपोर्ट करने का बिजनेस है। अगर ये कर लोगे तो बहुत बखूबी आगे बढ़ जाओगे। जो आज मैं मिलेनियर क्लब का सुख ले रही हूँ, हर कोई वो ले लेगा अगर ये बातों को सीरियसली ले लोगे तो। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शक्ति सर को सब पहचानते हैं। आप मुझे बोलिए, डॉक्टर शक्ति सर आज जिबड़ी पोस्ट पे लाखों की इनकम ले रहे हैं, इतना बड़ा उनका नाम हो चुका है, वो इतनी फेमस पर्सनालिटी हो चुकी है, क्या आपको लगता है उनको आज किसी के गाइडेंस की जरूरत है? नहीं, वो कैपेबल हो चुके हैं ऑलरेडी खुद चलने के लिए, भगने के लिए, लेकिन आज भी हमारे डॉक्टर शक्ति सर मुनीश सर की एक भी वर्ड को क्रॉस नहीं करते हैं। आज भी डॉक्टर शक्ति सर मुनीश सर जो बोलते हैं वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। ना सिर्फ इतना, सेकंड एग्जांपल आपको देखते हो, डॉक्टर शक्ति सर ने जो किया वही सेम डॉक्टर ममता करवा जी ने किया, जो उनके टीम में है। डॉक्टर शक्ति सर के, डॉक्टर शक्ति सर के टीम में डॉक्टर ममता करवा जी है, जो जीबीडी बने हैं। आज भी जीबीडी बनने के बाद भी डॉक्टर ममता करवा जी ये नहीं बोलते कि आज मैं जीबीडी बन चुकी हूँ, मुझे सारा कुछ आता है और मैं, मुझे जो अच्छा लगता है वो करूंगी। नहीं, आज भी जीबीडी ममता करवा जो है हमारे, वो आज भी वही बोलते हैं, उनका जो शब्द है वो मैं क्रॉस नहीं कर सकती है, उनका जो वर्ड है मैं उसे टाल नहीं सकती हूँ। ये होता है एक अप्लाइंग के लिए रिस्पेक्ट करना, ये सिखाया नहीं जाता, ये दिल से करना पड़ता है। ये आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप कीजिए, और ये बोलने से किया नहीं जाता है, ये अंदर से आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके टीम ने आपको उतना रिस्पेक्ट देना है, आपको वो करना पड़ेगा, और इसलिए करना पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, आज यहाँ पे आप हो तो आप आपकी सीनियर की वजह से हो, आप आपके अपलाइन की वजह से हो, इसीलिए अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलाइन जो बोलेगी वो आपके अच्छे के लिए बोलेगी, इसलिए अपलाइन को, चाहे उस टाइम पे हो सकता है उस टाइम पे हमें कभी लगे कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये बात करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन उस टाइम को जाने दीजिए, लेकिन वो बात कर लीजिए, क्योंकि आज उसका फायदा हो सकता है हमारी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि सच में जो हमारे अप्लाई ने बोला था वो फॉलो करने से मेरा ऐसा ऐसा फायदा हुआ है। जैसे देखो, हम बहुत सी बार
बोलते हैं कि कभी कभी टाइम ऐसी आती है, सिचुएशन ऐसी आती है जिंदगी में, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जिंदगी में हम बोलते हैं ना अक्सर कि हर बात अच्छे के लिए होती है, अभी अच्छा ना भी लगा तो कर लीजिए, हो सकता है इसमें कुछ अच्छा छुपा हो, वैसा ही माइंड यहाँ पे लगा लीजिए। आज अगर आपके अपलाइन की बात आपको कुछ अच्छी नहीं लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, मन को सिर्फ इतना बोलो बात अच्छी लगो ना लगो, लेकिन अपलाइन जो बोल रही है वो मेरे अच्छे के लिए बोल रही है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, इतना अगर कर लोगे ना फ्रेंड्स तो बहुत ऊंचाइयों को छू लोगे। इसके लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको, जैसे कि देखो मैंने डॉक्टर शक्ति सर और ममता दीदी, ये तो हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, एक पौराणिक कथा पे से आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि श्री राम भगवान जो थे ये अपलाइन थे, श्री राम भगवान जी अपलाइन और हनुमान जी डाउनलाइन, हमारी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। वैसे तो पौराणिक कथाओं में बोला जाता है कि वो भगवान जी थे और ये भक्त थे, तो वैसे यहाँ पे भी अपलाइन यानी भगवान हो गए और आप और मैं भक्त हो गए, तो श्री राम जी ये भगवान है, सॉरी अपलाइन है, और हनुमान जी ये डाउनलाइन है, एक एक तरफ ये दोनों है, एक तरफ श्री कृष्ण भगवान है वो अपलाइन है श्री कृष्ण भगवान, और उनके डाउनलाइन कौन है, अर्जुन है। तो आप समझिए बात को, श्री राम भगवान जी जब भी कुछ बोलते थे तो उनका वर्ड कंप्लीट भी नहीं होता था, उसके पहले हनुमान जी बोलते थे जय श्री राम, और एक तरफ दूसरी तरफ ले लीजिए ऑपोजिट कैसे होता था, श्री कृष्ण भगवान जब भी कुछ सजेशन देते थे, जब भी कुछ गाइड करते थे अर्जुन को, तो अर्जुन क्या करता था, किंतु परंतु करता था, डाउट करता था, पूछता था ऐसे क्यों करना है। तो आप देख रहे हो उसका रिजल्ट क्या है, दोनों तरफ आपने देखा, एक डाउनलाइन भी है एक अपलाइन भी है, लेकिन दोनों तरफ के रिजल्ट एकदम अलग अलग आ गए। श्री राम भगवान के साथ साथ हनुमान जी के इतने मंदिर बने हैं, लोग इतना पूछते हैं, बहुत से लोग तो पहले हनुमान जी को और फिर राम जी के दर्शन लेते हैं, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अंधा भरोसा आपने श्री राम जी पे किया, और श्री राम जी ने कभी उनको गलत सलाह नहीं दी, जो भी बोला उनके अच्छे के लिए बोला, लेकिन उस बात को उन्होंने समझा और उससे फॉलो किया। और एक तरफ क्या हुआ, जब अर्जुन ने डाउट करना शुरू कर दिया, किंतु परंतु करना शुरू कर दिया, तो अपलाइन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अपलाइन के तो श्री कृष्ण भगवान के तो जगह जगह पे मंदिर है, नुकसान किसका हुआ, अर्जुन का कहीं पे भी मंदिर हमें देखने को नहीं मिलता है, तो अपलाइन का कुछ नुकसान नहीं। अगर आप अपलाइन का ना सुनो तो उसका तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है दौड़ रहा है, लेकिन आपका और मेरा नुकसान हो सकता है, तो हमें इस बात को क्या करना है, समझना है और इसे बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और एक थोड़ा सा आती हूँ, एक तो 5 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेरे लोग वेट कर रहे हैं, और मैं मेरी बातें सुनाने से उनकी बात मैं सुनना ज्यादा पसंद करूंगी। अब आते हैं कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि मैडम यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स, गिने चुने, मैंने तो घिसे पीटे वही प्रॉब्लम सुने हैं लोगों से, मैंने अभी तक 2 साल में इससे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे सामने तो नहीं आए कभी। लोग क्या प्रॉब्लम लेके आते, जब आपके टीममेट्स काम करते तो क्या लेके आते हैं आपके सामने, कोई बोलता है लोग, कोई बोलते हैं मैम मैं तो फील्ड में जाता हूँ जाती हूँ, लेकिन लोग ही नहीं मानते मेरे से, लोग ना बोल देते, लोग इनकार कर देते, लोग रिजेक्ट कर देते। करने दीजिए फ्रेंड्स, वो क्यों करते, क्योंकि आपको और मुझे इंपॉर्टेंस मालूम है मोदी केयर का, आपको और मुझे अच्छे से इसकी वैल्यू समझ में आ गई है, लेकिन जिसके पास आप मोदी केयर लेके जा रहे हो ना उसको अभी तक उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, और जब तक उसे उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा वो आपको हाँ क्यों बोलेगा। तो हमें क्या करना है, ये माइंडसेट कर लेना है कि हमें समझाने के लिए टाइम लगेगा, हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, और किसी के मेंटालिटी को चेंज करना, किसी के माइंडसेट को चेंज करना ये इजी नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन किया जा सकता है, अगर यहाँ पे सोच लोगे तो कर लोगे। दूसरी बात, अगर कोई ना भी बोलता है ना तो कभी भी अपसेट नहीं होना है, अपने आप को बोल दीजिए एक बंदे ने ना बोला तो क्या हुआ, यहाँ पे तो करोड़ों की मेरी इंडिया के बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने भारत में इतने लोग हैं कि आप बताते बताते थक जाओगे लेकिन लोग खत्म नहीं होंगे। फिर अगर किसी ने ना बोल दिया, किसी ने इनकार कर दिया, तो क्यों हमने अपसेट होना है, क्यों कॉन्फिडेंस लेवल को लो होने देना है, हम उनके लिए काम नहीं कर रहे फ्रेंड्स, हम हमारी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। वो ना बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो हाँ बुलवाना है लोगों से, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में चेंज करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने ना बोल रहे उनको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते जाना है, कोई ना कोई तो हाँ बोलने वाला मिलेगा, तो उसकी हमें कोशिश करना है। दूसरा प्रॉब्लम लोगों के पास क्या आता है, वो बोलते जब भी मैडम हम सब कुछ समझाते हैं, सामने वाले को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला लास्ट में बोल देता है सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है,
टाइम तो फ्रेंड्स आज किसी के पास भी नहीं है। छोटा बच्चा भी बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसकी बात बराबर है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन उसको ये समझाइए कि सर मैडम हमारे पास तो इसके लिए टाइम लगता ही नहीं है, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारे काम के लिए कुछ टाइम नहीं लगता है। हमारा काम तो चलते फिरते, ऑटो में बैठे हो तो ऑटो वाले को शेयर कर दीजिए, बस में बैठे हो तो बस के पैसेंजर को शेयर कर दीजिए, ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में आपके सीट के बाजू में जो बैठा है उसको शेयर कर दीजिए, मोदी केयर, यही तो काम करना है। ये तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, इसको कोई अलग से टाइम तो लगाना नहीं है हमें। तो हमारा काम तो बहुत ईजी है, बिना टाइम का हो जाता है, लेकिन आपका काम तो बिना टाइम का पॉसिबल नहीं है, ये उनको समझाइए। फिर तीसरा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा क्या आता है, लोग बोलते हैं कि मैडम जब भी मैं किसी को करने के लिए बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मुझे सब कुछ अच्छा लगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। फ्रेंड्स मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपने स्टार्ट किया तो आपको पैसा लगा नहीं लगा, फिर आप उनको समझाइए हमारे बिजनेस में तो पैसा हम लेते ही नहीं है। आप अगर देना भी चाहो तो समीर मोदी जी पैसा लेने के लिए रेडी नहीं है। हमारे समीर मोदी जी ने मोदी केयर पैसा लेने के लिए नहीं तो पैसा देने के लिए ये कंपनी हमारे पास लाई है। ये बातें हमें समझाना आना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है अगर कोई कुछ ऐसा बोल देता है तो हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है, हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हम आगे की बात करे बिना ही हमारा डेमो किट की जिप लगा लेते हैं, हमारे बुक्स उठा लेते हैं और हम घर पे चले आते हैं। फिर दो दिन हम जाते ही नहीं है, हमें लगता है मैं जिसके पास भी जाता हूँ मुझे ना ही सुनने को मिल रही, और दो दिन घर पे आराम ही करते। जब अप्लाई का फिर से फोन आता है फिर हम बोलते हैं कि मैडम मैं गया था लेकिन मैं बहुत मूड ऑफ हूँ और एक दो दिन मेरा मूड खराब है, मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ। फ्रेंड्स अगर ऐसा करोगे तो काम कब बनेगा? ऐसा करोगे तो लोग तो करोड़पति लखपति यहाँ पे काम करके निकल जा रहे हैं, होके आप और मैं कब बनेंगे? अगर हमें बनना है तो हमें हमारे मेंटालिटी को, सबसे पहले तो हमारे मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। जब हम हमारी मेंटालिटी को चेंज करके घर के बाहर मोदी केयर लेके जाएंगे, लोगों की मेंटालिटी चेंज करना ये बहुत टफ काम नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन सबसे टफ काम क्या है? मन भूमि में जीतना। मन भूमि में अगर जीत लोगे तो रन भूमि में जीतने से तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो यही पे हम अटक जाते हैं जहां पे हमें नहीं अटकना है। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रख के मुझे सुना, सुनाने को तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स। जब भी यहाँ पे बैठते हैं ना बात करने के लिए, ऐसे लगता है इतना दे कि हर किसी के लाइफ में मोदी केयर की वैल्यू समझ में आ जाए, हर किसी को ये समझ में आ जाए कि मोदी केयर की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन इतना टाइम अलाउ नहीं है, हमारे पास जो घड़ी नजर आ रही है वो टाइम बता रही है कि अब मेरे लीडर्स का टर्न आ चुका है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ओवर टू डॉक्टर अंजलि जी। वाओ ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया मैम, आपकी सक्सेस स्टोरी तो ऐसा लगता है कि आप बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे। बहुत ग्रेट आपके बारे में, मैं आपने जो हमें बताया है ये आपका माइंड ब्लोइंग सेशन है मैम। और ये सक्सेस मंत्र जो आपने बताया है कि हमें सिस्टम के साथ और कॉन्फिडेंट लेवल के साथ आगे बढ़ना है, आप बहुत अच्छे ट्रेनर भी हो, बहुत अच्छे स्पीकर भी हो, आपके बारे में क्या कहना, आपकी टीम भी बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ रही है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके ही सक्सेस मंत्रा पे हम फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये सक्सेस मंत्रा हर कोई जो अपनाएगा तो 100% सक्सेस मोदी केयर में आएगा। मोदी केयर एक सिर्फ अकेले आगे बढ़ने का बिजनेस नहीं है, तो मैम ने कहा है टीम को लेके हमें आगे बढ़ना है, इसलिए मैम ने अपना जो सक्सेस स्टोरी है तो बहुत अच्छी तरह से अपने टाइम में बताई है। तो थैंक यू सो मच मैम। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इनके ही लीडर है जो परभनी से बिलोंग करते हैं, पूनम बंग के बारे में मैं दो लाइन्स कहना चाहती हूँ कि जब पूनम बंग इस बिजनेस से पहले जो हेल्थ इश्यू था, तो जब से ये मोदी केयर में आए हैं ना फ्रेंड्स, तो इनका जो हेल्थ इश्यू है सप्लीमेंट्स लेने के बाद कम हुआ। इन्होंने हेल्थ तो मेंटेन किया, उसके साथ वेल्थ को भी मेंटेन किया है। अभी वो अच्छे लेवल पे है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे है और इन्होंने बहुत अच्छे इनकम ले रहे हैं, 35,000 से 40,000 रुपये इनकम ले रहे हैं फ्रेंड्स, और घर बैठे ये सब इनका बिजनेस जो है बिल्ड कर रहे हैं। इनकी बहुत अच्छी टीम है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ पूनम बंग।
थैंक यू सो मच अंजलि मैम, जो आपने इतने अच्छे से वेलकम किया मेरा, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि आपने तो सुन लिया सब कुछ, फिर भी मैं सेल्फ पूनम पवन कुमार बंग परभनी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, मोदी केयर में आने से पहले सच में जहाँ मैं बैठी हूँ ये बैठ भी नहीं पाती थी, ऐसी हालत में थी, लेकिन मोदी केयर ने बहुत आगे बढ़ा दिया है मुझे। मैं आज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लेवल पे हूँ और जो इनकम है वो मैम ने बताई है कि इनकम भी कैसे अर्निंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर बहुत अच्छा बिजनेस है, इसका इसको करने का तरीका आना चाहिए। करने के लिए एक बहाना, एक ही बात अच्छी लगती है कि आप करने की चाहत रखते हो तो राह मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं करने के लाख बहाने भी कम पड़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैम ने अभी बहुत अच्छे से बताया है, और मेरे जो अपलाइन है वो ग्रेट लीडर नैना मैम है, उनके ही सपोर्ट से आज मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। उनका साथ अगर रहता था है बोल के ही मैं इतने आगे बढ़ पा रही हूँ। जैसे उन्होंने बताया है कि बच्चों को साथ में लेके कैसे चलना है, तो फ्रेंड्स मैं खुद का बताती हूँ कि मैं आज भी फील्ड में अकेली नहीं जा सकती हूँ। फील्ड में जाने के लिए मुझे फिजिकली कोई ना कोई साथ लगता है, क्योंकि हेल्थ के इशू इतने ज्यादा है, आज भी नहीं घर के बाहर अकेले निकलने की मुझे परमिशन नहीं मिलती है, और ज्यादा टाइम बात भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि स्पाइन का जो प्रॉब्लम था उसके कारण मुझे वजन भी नहीं उठा पाती। कल भी मैंने होस्टिंग की थी और लास्ट में मैम ने संभाल लिया था, उनको पता था कि इसको ज्यादा बात करने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सपोर्ट जैसे नैना मैम करते हैं वैसे ही ममता दीदी भी करते हैं, सब टीम के अपलाइन और डाउनलाइन, इनके सपोर्ट के वजह से ही हमारी टीम आगे बढ़ सकती है और मेरा बिजनेस कैसे सक्सेस हुआ, घर बैठे भी हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा बताती हूँ फ्रेंड्स कि देखो, मैं बाहर नहीं जा सकती तो बिजनेस नहीं कर सकती, या मैं ये जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है मोदी केयर का इसमें सक्सेस नहीं पा सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी करने की चाहत जितनी अच्छी रहेगी उतने आपको रास्ते मिल जाते हैं। जैसे सुरेखा मैम बोलते हैं कि आर यू रेडी, तो मैंने भी बोल दिया था आई एम रेडी, मैं घर बैठे भी कर सकती हूँ। मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स लेना चालू कर दिया, जो लोग मुझे मिलने को आते थे तो उनको मैंने प्रोडक्ट शेयरिंग करना चालू किया। मुझे मैजिक कॉर्नर प्रोडक्ट्स का डेमो ये कुछ भी मालूम नहीं था, मैम को लगता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे और मेरे हेल्थ के लिए कुछ उसका सपोर्ट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने शेयरिंग किए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रॉयल्टी भी कर पाऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स देखो, उन्होंने भी बहुत अच्छे मन से मुझे इसमें इन्वॉल्व किया और मैंने जो शेयरिंग की तो मैंने भी सभी को बताती थी कि मेरी फ्रेंड करती है, उनके पास ये प्रोडक्ट्स है और मुझे इसका अपडेट देना है, इसका फॉलोअप देना है, तो आप भी यूज करके बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे लग रही है। यही बात जब शेयरिंग करती थी तो फ्रेंड्स इतने ज्यादा ऑर्डर आने लग गई कि 100 पॉइंट का भी मुझे पता नहीं था कि 100 पॉइंट मिलियन क्लब रहता है, वो भी मेरा स्टार्टिंग से ही होने लग गया। और जब मेरा पहला चेक आया 122 रुपए का आया, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी हुई और मैंने सोच लिया कि ये कंपनी है ना, ये कंपनी कुछ ना कुछ देने वाली है तो इसमें काम जरूर करना है। आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना आप काम करोगे, उसी के हिसाब से आपको ये अर्निंग देने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज तक मैंने ये देखा था कि मार्केट से प्रोडक्ट्स लाके मुझे हर टाइम पैसा ही देना पड़ता था, सबको देना पड़ता है फ्रेंड्स, जो डेली नीड की चीजें हैं हम हर दिन हर महीने लाना ही पड़ता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे ही देना पड़ता है। लेकिन मोदी केयर कंपनी में हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके यूज करने के फायदे कितने ज्यादा है, और यूज करके कंपनी हमें पैसे दे रही है, जो अर्निंग आ रही है ये यूज करने की, तो ये जो पॉइंट है मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने ऐसा सोचा कि मैं किसी मेरे रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो जो नियरेस्ट है, जो जरूरतमंद है, उनको अगर हम चाहते भी है तो हम कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, अगर किया भी तो हमें माइंड में रहता है कि मैंने उसको इतने पैसे दिए वाले है, लेकिन मोदी के लिए इतना अच्छा बिजनेस है, उनको अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स हम उनके घर में पैसा लाने की ताकत भी रख सकते हैं। सपोर्ट जो ममता दीदी करते हैं, नैना मैम करते हैं, ऐसे ही हमें करना है। जैसे अपलाइन वैसे डाउनलाइन, जैसे ग्रेट अपलाइन मुझे मिले हैं वैसे ही मेरे डाउनलाइन भी इतने ज्यादा ग्रेट मिले हैं फ्रेंड्स कि उनके लिए क्या कहना।
मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किसके किसके बारे में बोलूं। मेरे जो वर्ड रहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस कहाँ मिला फ्रेंड्स कि जो लेडी घर में से बाहर मतलब बेड से उठने के लिए भी उसको किसी का ना किसी का सपोर्ट लगता था, भले ही वो 10 साल का बच्चा भी क्यों ना हो वो मुझे उठाता था, तब जाके मुझे सपोर्ट के सहारे मैं उठ पाती थी। लेकिन आज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है, ये मोदी करके प्लेटफॉर्म पे मिला है फ्रेंड्स, ये है एक जादू ही बोला जाएगा, जिसे मिरेकल कहते हैं वही कहा जाएगा। और इसके सप्लीमेंट का तो सेल्फ एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा अच्छे है और यही शेयरिंग किया है। जितना आपकी सक्सेस स्टोरी आप पे डिपेंड है, आप अगर बेड पे रह के भी या फिर आपके कुछ इश्यू रहने के बावजूद भी अगर आप करते हो और ये आप अप्रूव करके बताते हो तो फ्रेंड्स आपको तुरंत कॉल आ जाएंगे। स्टार्टिंग में मुझे भी 6 से 12 महीने मतलब पूरा साल इतना ज्यादा इसमें रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मैंने शेयरिंग करना कभी छोड़ा नहीं। फिर फ्रेंड्स मैं किसी को भी मिलती थी, जो अननोन पर्सन रहो नोन रहो जो पहचान के हैं, सबके पास से मैं कॉन्टेक्ट नंबर लेती थी। मैं बोलती थी कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम हम हेलो हाय तो कर सकते, एक दूसरे के स्टेटस तो देख सकते हैं। तो उस कारण से हमारी पहचान बढ़ने लग गई और जो मैं स्टेटस रखती थी उसके कारण सब फ्रेंड्स आज मैं हर महीने 2 से 5 ज्वाइनिंग घर बैठे बैठे लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो सक्सेस स्टोरी है मैं उस पे ही इस पे ही बात करती हूँ कि घर बैठे भी आप कर सकते हो। मैं बाहर गांव ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, नैना मैम जाते हैं मेरी टीम में फील्ड में, लेकिन मैंने भी सोचा कि अगर मैं नहीं जा सकती तो ऑनलाइन मीटिंग तो ले सकती हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे मेरे बॉम्बे पूना सांगली हर तरफ मेंबर फ्रेंड्स और बहुत अच्छे से बिल हो रहा है। जिस लेडीज को मंथली जो टैबलेट है जो मेडिसिन है जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो 10 से 15 हजार का लगता था, आज वो खुद अर्निंग कर रही है ये प्लेटफॉर्म पे, तो ये बहुत ज्यादा खुशी लगती है मुझे खुद पे भी और घर में भी सबको बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये तो बढ़ गया, लेकिन अर्निंग तो सबको सबको पसंद आती है, कितना भी पैसा रहो अर्निंग सबको पसंद आती है। लेकिन जो एक मेरा माइंड में था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती मैं ये कर नहीं पाती, ये सब कुछ निकल गया। जो जिसे बोलते हैं कि डिप्रेशन में जाना ये चीज क्या रहती है, जब मैं मोदी केयर में आई तो आज मुझे कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव लगती ही नहीं है, क्योंकि हमें कहीं पे भी वर्ड सुनने को ही नहीं मिलता है कि नहीं बोलना है। आज भी हम भी यही सीख गए हैं कि यस आई एम रेडी यही बोलते हैं और बिजनेस बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज मुझे बात करने का मौका दिया, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू अंजलि ताई। वाओ ग्रेट पूनम मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है, जब आप करोगे तो आप अर्निंग बिल्कुल पाओगे। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे फ्रेंड्स तो अर्निंग जो है वो आने वाली है। पूनम मैम ने जैसे 100% यूजर बने और इन्होंने घर बैठे ही बिजनेस को बिल्ड किया है। ग्रेट मैम, आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ फ्रेंड्स, दूसरे ऐसे एक लीडर्स को इनवाइट करना चाहती हूँ जो छोटे से गांव से है, बहुत ही जबरदस्त लीडर है जिन्होंने अपनी छोटी टीम के साथ आगे बढ़ रहे है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे है। पूर्णा से है सीनियर एक नहीं सॉरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्चना मुथा मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, मैं सेल्फ अर्चना मुथा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम महाराष्ट्र नांदेड़ टीम से बिलोंग करती हूँ और नैना जी अजमेरा मेरे अपलाइन है। दोस्तों सिंपल सी हाउसवाइफ थी और अब मोदी केयर में आने के बाद बिजनेस वुमेन भी बन चुकी हूँ और हैप्पी फैमिली लाइफ जी रही हूँ। हैप्पी फैमिली लाइफ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब से मोदी केयर मिला है तो मेरे फैमिली में यानी पूरा फैमिली साथ में। पूरी फैमिली साथ में मिलके बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे हैप्पी अच्छे से खुशी से हम लोग जी रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे कि मैं कहना चाहूँ, मैंने जो कहा है कि मैं सिंपल सी हाउसवाइफ थी और बहुत कुछ घर के लिए और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती थी जब हाउसवाइफ थी। लेकिन जब से बिजनेस में आई हूँ, जब से मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो इस मोदी केयर में आने के बाद में छोटे छोटे फंक्शन जो होते हैं, मेरे बच्चों के बर्थडे है, उसके बाद में बच्चों को बर्थडे को गिफ्ट भी मैं खुद
जैसे कि अभी कहा है कि खुद की अर्निंग करके देना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो अब मैं खुद, जैसे उसके पापा तो देते थे लेकिन अब मैं खुद अपने अपने कमाई से मेरे बच्चों को मैंने गिफ्ट किया है। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे को बहुत ज्यादा था कि मम्मी जिम जाना है, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा अभी कोरोना है और जिम में तो नहीं भेज सकती हूँ, तो उसको मैंने सब जिम का सामान घर में ही बुला दिया। यानी कि छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, मैंने मेरा मोबाइल खुद मंगवाया। फर्स्ट जब मेरा सपना था कि मेरा मोबाइल यानी गिरने से फूट गया था, तो मैंने मेरा मोबाइल मैंने सोचा था कि मैं खुद मंगाऊंगी, तो मेरे को बहुत बोला गया घर पे कि मोबाइल फूट गया है और बिजनेस करना पड़ता है तो मोबाइल ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया था फ्रेंड। और आज मैंने जब मैंने वो मोबाइल सपने फर्स्ट मेरा सपना पूरा किया, लगभग 6 महीने के अंदर ही मैंने मेरा मोबाइल अर्न किया है। उसके बाद मैं ऐसे घर में जो वॉशिंग मशीन है, छोटे छोटे सपने जो है, उन सपनों को आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि हाउसवाइफ होते हुए भी मैं अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। और अगर ये मोदी केयर में नहीं आती, बहुत सारे बिजनेस है फ्रेंड, लेकिन अगर मोदी केयर में नहीं आती तो शायद ये सब मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि हर जगह बिजनेस करना है तो बिजनेस में सब में ज्यादा लगता है मनी एंड टाइम। तो हाउसवाइफ रहने की वजह से पूरा समय हम बाहर नहीं दे सकते, और कोई भी बिजनेस करना है तो बहुत सारी लागत लगती है जिसे शायद नहीं कर पाती थी। तो इसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी दोस्तों कि मोदी केयर बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जैसे कि यहाँ हाथ पकड़कर हमारे अपलाइन, जैसे कि नैना जी है अभी, और हमारे अपलाइन शक्ति सर है, मुनीश सर है, जो भी पूरे पूरे अपलाइन हमारा हाथ पकड़कर और ऊपर कैसे चढ़ना है, ये हमें मोदी केयर में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। और दूसरे जो बिजनेस है उसमें कहीं भी हमें अगर ग्रोथ, सामने वाला बहुत ग्रोथ कर रहा है और उससे हम अगर पूछे तो हमें कोई भी नहीं बताते हैं कि इसमें बिजनेस में ग्रोथ कैसे करना है, और हमको नीचे दबाया जाता है। ये एक मदद करने का बिजनेस है। और जैसे कि बाहर के बिजनेस है जहाँ की बहुत सारे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं मिलता, हेलो यस जो बिजनेस कंटिन्यू कीजिए, बीच में हैंग हो गए थे आप। ओके ओके, तो जो बाहर के बिजनेस है दोस्तों, तो हम जो बिजनेस करते हैं बस उतना ही नॉलेज हमें बहता है और उतना ही नॉलेज हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन हमें तो इस मोदी केयर में ऑलराउंडर बनाया जाता है। जैसे कि हम तो डॉक्टर भी, बिना डिग्री के डॉक्टर भी बन गए। यदि कोई हमारे सामने प्रॉब्लम्स लेकर आता है तो उसको हम तुरंत सप्लीमेंट भी बता देते हैं कि आपको ये लेना है, तो हम जैसे कि डॉक्टर भी बन गए और बिना पार्लर कोर्स किए हम ब्यूटिशियन भी बन गए। कोई आता है हमें वांग है, हमें ये ब्लैकहेड्स हो गए, व्हाइटहेड्स हो गए, तो हम लोग तुरंत उनको इलाज बता देते हैं और उनको देके, जैसे कि बहुत से लोगों को बाहर डॉक्टर्स को बताने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मोदी केयर का जब से जो ब्यूटिशियन के जो है हमने मैंने दिए है, तो उसके बाद में लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो यानी कि हम इसमें ब्यूटिशियन भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए दोस्तों। और तो और यहाँ तक सुबह से लेकर रात तक के जो भी प्रोडक्ट्स है, इन सब का हमें नॉलेज दिया जाता है, और ये नॉलेज हम हर किसी को दे सकते हैं। ये नॉलेज देकर हम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्यूशन, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई आता है घुटने का दर्द है, कोई आता है, तो हर किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छी से समय निकाल कर अपना, उनका बहुत बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ होने ममता मैडम इनके बहुत बिजी लाइफ है, डॉक्टर है, पर फिर भी शक्ति सर बहुत ज्यादा बिजी होने के बाद में भी हमें इतने अच्छे से मीटिंग्स में सिखाते हैं। तो ये सब सीखने के बाद में लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना हमें बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और हम हेल्प करने में, मदद करने में, कहीं ना कहीं उनका मदद करने में सहारा बन रहे हैं। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो आओ फ्रेंड्स, सभी हम सब मिलकर साथ में, जो भी यहाँ पे न्यू मेंबर आए हैं तो वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मोदी केयर करने के बाद मैं जो आज मैंने कहा है कि हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, घर में बहुत खुशी आई है, हर चीज छोटी से छोटी जरूरतें जो होती है वो पूरी हम नहीं कर सकते हैं, तो मोदी केयर में आने के बाद में तो सब मिलने ही वाला है, लेकिन शुरुआत से ही हम छोटी छोटी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे भी हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, और करने को बहुत सारी हेल्प भी है। बहुत इच्छा होती है लोगों की हेल्प करूं लेकिन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है
पर यहाँ पर करने को हेल्प भी है, किसी भी प्रकार से करो, आज स्वास्थ्य की भी करो या कोई भी करो, आप हेल्प भी कर सकते हो। तो ये सब इसी बिजनेस में मुझे मिला है और हम सभी को यहाँ पे आने के बाद में मिल सकता है। थैंक यू, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे यहाँ मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अर्चना जी, बहुत अच्छे से अपने जो छोटे छोटे स्टेप लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने तो सभी डिग्री ले ली रहे हैं, आप ऑलराउंडर बन गए हैं, डॉक्टर के साथ भी और हाउसवाइफ और ब्यूटिशियन भी बन गए हैं। देखो फ्रेंड्स, जब हम डीप नॉलेज लेते हैं ना तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है, तो थैंक यू सो मच मैम। अब मैं दूसरे ग्रेट लीडर को बुलाना चाहती हूँ, यहाँ पे इन्वाइट करना चाहती हूँ, सारिका तोशनीवाल मैम जो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे है, परभनी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, इनका भी बाय प्रोफेशनल ये टीचर है और इन्होंने भी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया है, क्योंकि ये जानते हैं मोदी केयर एक सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, हमारा जो लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है और इससे हम पैसिव इनकम भी ले सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहती हूँ सारिका तोशनीवाल मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, और थैंक यू बोलूंगी मैं अंजलि जी आपको भी और हमारे सब अपलाइन को भी, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आज बोलने के लिए यहाँ पे चांस दिया है। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सारिका तोशनीवाल फ्रॉम परभणी महाराष्ट्र, अभी मैं मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब मोदी केयर नहीं करती थी तब मैं एक टीचर थी मोदी केयर से पहले, और मेरे कोचिंग क्लासेस थे और मैं 10 साल से कोचिंग क्लासेस ले रही थी, लेकिन जैसे ही C-19 आया तो मेरे कोचिंग क्लासेस पूरे बंद हो गए। तो फिर जब मोदी केयर में मैं तब ज्वाइन थी लेकिन एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मोदी केयर समझ के लिया भी नहीं और टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी मेरे कोचिंग क्लासेस में। तो फिर जब लॉकडाउन हो गया तो कोचिंग क्लासेस पूरे बंद हो गए, तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा चलो इसमें क्या है, जूम मीटिंग में तो देखना है, देखते हैं घर बैठे। तो मैंने जब मोदी केयर का प्लान देखा, डेमो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं थी और कुछ लॉस नहीं था, क्योंकि डेली यूज के सब प्रोडक्ट थे, और बिजनेस भी ऐसा था जैसे कोचिंग क्लासेस में मैं अकेली कमा रही थी, लेकिन ये बिजनेस से कैसा था, मैं तो खुद कमा सकती थी और दूसरों लोगों को भी हम हेल्प करके उनको भी जो इनकम यहाँ से पैसिव इनकम आती है वो बता सकते थे, क्योंकि जैसे लॉकडाउन बंद हो गया तो मेरी एक्टिव इनकम पूरी बंद हो गई, और मुझे सही में जैसे शक्ति सर के मीटिंग में सुना था पैसिव इनकम के बारे में, तो वो एक्सपीरियंस मैंने खुद ही ले लिया, कि जैसे 10 साल से कोचिंग क्लासेस चालू थे लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि मैम इतने दिन से ट्यूशन ले रहे हैं तो हम जाके उनको मतलब ट्यूशन फीस देना है, लेकिन मुझे क्या ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि पैसिव इनकम जब हम नहीं करेंगे तो भी मेरा बिजनेस चलने वाला है, तो मुझे इसलिए ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। और खासियत ये बिजनेस की ऐसी है कि दूसरे कौन से भी बिजनेस में हमको कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये बिजनेस में अपलाइन का इतना साथ रहता है कि हम नहीं करना चाहे तो उनको ऐसे लगता है कर सकते हैं बोल के, वो हमको इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं और अच्छी राह दिखाते हैं। जैसे नैना मैम है, सुरेखा मैम है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया, मतलब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कभी मोदी केयर करूंगी, लेकिन इनके मोटिवेशन इनकम भी ले रही हूँ और अच्छे पोस्ट पे हूँ। और मेन ये है फ्रेंड्स, जब मैं कहीं गांव जाती थी तो मेरे कोचिंग बंद रहते थे और मुझे टेंशन रहता था कि जल्दी आना है, छुट्टी नहीं देना है इतने बच्चों को, लेकिन अभी तो यहाँ पे सब अपलाइन इतना हेल्प करते हैं, जैसे रोज हमारी 1 बजे की मीटिंग रहती है, तभी मैं फील्ड में जाती हूँ और मेरे मेंबर्स मीटिंग में आते हैं तो भी मुझे कुछ टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन उनको पूरा गाइडलाइन करती है और वो भी खुश है मेरे साथ में, और यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी इनकम लेके खुश हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी कार अचीव करना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके 1 साल में गाड़ी लेना ही है, और मेरे टीम में भी
कोशिश कर रही हूँ और गाड़ी लेके मुझे यहीं पे स्टॉप नहीं होना है और मुझे होम फंड से यहाँ पे जैसे ममता दीदी ने होम फंड से घर लिया है वैसे मुझे भी जल्दी से जल्दी मोदी केयर से ही एक सपनों का घर लेना है। तो ये इतना कुछ यहाँ पे मिलता है ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था और इतने बड़े सपने मैंने कभी देखे भी नहीं थे क्योंकि कोचिंग क्लासेस चला के ये सपने पूरे नहीं हो सकते थे तो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। लेकिन जब से मोदी केयर में आ गई हूँ ऐसे लगता है सपना देखना चाहिए और बड़ा देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूरे सपने सच होते हैं, अपने तो होते हैं और हम दूसरों के भी सपने सच करने में हेल्प करते हैं। इसलिए मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मैं तो सबको यही बोलती हूँ समझ में आए तो भी करो, नहीं समझ में आए तो भी करो क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है, बॉस नहीं है, हम यहाँ पे माइनस कभी नहीं होने वाले हैं, प्लस ही होने वाले हैं। इसीलिए मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक्स कहती हूँ पूरे अपलाइन डाउनलाइन का क्योंकि यहाँ पे हम अकेले नहीं है, बहुत बड़ी टीम रहती है और टीम वर्क करने में बहुत एंजॉय करके हम काम करते हैं। दूसरे काम में हम खाली टेंशन लेके काम करते हैं और सबकी अच्छी दुआएं भी मिलती है। इसलिए मुझे मोदी केयर बहुत अच्छा लगा और थैंक्स थैंक यू मैम, आज मुझे इतने अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मौका दिया। ऑल टू यू अंजलि जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो कहा है सिर्फ सच में मोदी केयर में कोई टेंशन नहीं है, नो बॉस नो लॉस, आप सब जानते हो फ्रेंड्स। और हमें जो पैसिव इनकम मिलता है इसलिए मैडम ने ये बिजनेस को चूज किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी है मैम आपकी। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ दूसरे एक और ग्रेट लीडर के लिए जो नांदेड़ से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर संगीता, नेचुरोपैथी डॉक्टर है। आपका वार्म वेलकम करती हूँ मैम। ओवर टू डॉक्टर संगीता मैम। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। मैं सिर्फ डॉक्टर संगीता शर्मा, नेचुरोपैथी डॉक्टर, सीनियर डायरेक्टर इन मोदी केयर, बिलोंग्स टू नांदेड़ महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अपने बारे में मैं अगर बताऊँ तो एक अच्छी बेटी हूँ, एक अच्छे घर की बहू हूँ और एक अच्छी वेल प्रैक्टिशनर हूँ। सभी चीजें लाइफ में है, भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। डॉक्टर बनना ये मेरा बचपन का सपना था। जब कोई टीचर पूछते थे कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है तो मैं हमेशा से यही कहती थी, जब कुछ समझ में भी नहीं आता था तो यही कहती थी कि इससे लोगों की सेवा भी होती है और पैसा भी मिलता है। तो बस डॉक्टर बन गई, एक अच्छी नेचुरोपैथी डॉक्टर जो 12 साल से सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा नेचुरोपैथी का सेंटर है, योगा एंड एरोबिक्स के क्लासेस लेती हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, चार हॉस्पिटल घूम के चाहती थी तो ये सपना पूरा हो। फ्रेंड्स, इसी तरह मेरी मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है थोड़ा सा। फ्रेंड्स, yes, पहचान थी सिर्फ नांदेड़ तक, नांदेड़ से ही अपनी पहचान थी, उसके बाहर मेरी कोई पहचान नहीं थी। और फ्रेंड, मेरी लाइफ में आया मोदी केयर, बाय चांस आया, जो मेरी दोस्त ने बताया है डॉक्टर ममता मैम, जिसके थ्रू मैं इस मोदी केयर में आई। मैंने एक डिसीजन लिया और अपनी शुरुआत की हेल्थ प्रोडक्ट के साथ। मैंने अपने आप को सुरक्षित किया, अपनी फैमिली को सुरक्षित किया और उसके बाद जब मैंने इसकी स्टडी की, ट्रेनिंग की और काफी ये किया तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको अपने पेशेंट्स पे अप्लाई किया। जब पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फ्रेंड्स, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में हमारे डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और सभी पेशेंट डाइट ठीक तरह से नहीं ले पाते, तो उसमें मोदी केयर के ये सप्लीमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा फायदे कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ओबेसिटी, अर्थराइटिस, डायबिटिक, इनमें ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके। और फ्रेंड्स, जो रेडिएशंस पे है, नेचुरोपैथी में इसका कोई ये नहीं था, तो मोदी केयर से मुझे ये सारी चीज़ें, सारी सोल्यूशन मिल गए। फ्रेंड्स, मेरी जो पहचान, जो मैं नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाना चाहती थी, वो मेरी पहचान सिर्फ नांदेड़ तक सीमित थी। मोदी केयर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से
मैं अपने आगे बढ़ सकती हूँ। एक ऐसी चीज है जहाँ हम खुद तो आगे बढ़ते ही है, हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों को भी आगे लेकर बढ़ते हैं, उनके भी सपने साकार करते हैं। और अब मेरा सपना यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी वेल्दी बनाऊ, उनके सपनों को साकार कराऊ। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने शुरुआत की डेमो किट के साथ, मैजिक कॉर्नर के साथ, 100 PV के साथ, और अब मैं खुद आगे बढ़ रही हूँ और अपने साथ साथ अपनी टीम को भी आगे बढ़ाई। स्टडी किया, ट्रेनिंग पे ध्यान दिया तो समझ में आया इसके साथ कि कैसे है करके। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मुझे एक अच्छी फैमिली मिल गई, मोदी केयर से एक अच्छे दोस्त मिल गए मेरे साथ। मेरी अपलाइन है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, मेरे साथ डाउनलाइन है जो मुझे हर समय मेरा सपोर्ट करती है। तो मेरा ये मोदी केयर में आने का सपना, सभी को हेल्दी वेल्दी बनाना, ये जरूर साकार होगा। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू गॉड, एंड थैंक्स टू माय अपलाइन डॉक्टर ममता मैम, जिनकी वजह से मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। थैंक यू ऑल टू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। आपने नेम फेम मनी के साथ सब कुछ पाया है, इसमें बहुत अच्छा लगा है आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के। देखिए फ्रेंड्स, हर कोई इसमें सक्सेस हो गया है मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे जो ग्रेट लीडर है ग्लोबल ब्लैक डायमंड, डॉक्टर ममता करवा मैम को। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि, आज तो सही में सुनने का इस तरह दिमाग में इस तरह बातें आ रही थी कि सच्ची में ये बिजनेस ही दोस्तों, कर भला तो हो भला। देखिए मुनि सर, डॉक्टर शक्ति सर जो हमें सिखाते गए, हम उनकी वजह से आगे बढ़ते गए, सर ने हमारा भला किया और आज हमारी वजह से सर का सारा कुछ नाम आगे आ रहा है। सर के वो जब भी हम नाम लेते हैं सर का, इतना रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं कि ऐसे लगता है कि सही में वो हमारे गॉड फादर है, सही में वो हमारे मेंटर है। तो दोस्तों, कर भला तो हो भला, ये बिजनेस का ही जो अपने मंत्र है इसको जान लीजिए और टीम को डेवलप कीजिए। पहले सिर्फ नैना की सक्सेस स्टोरी आती थी, आज नैना की सारे टीम की सक्सेस स्टोरी आई है। दोस्तों, ये होता कैसे है, ये सिस्टम के साथ जुड़ते हो आप, फॉलो करते हो आपके मेंटर को, तभी हो पाता है। ये वो बिजनेस है दोस्तों कि जैसे आपको लगता है कि एक हाउसवाइफ का सपना यहाँ पूरा सकता है, यहाँ पे डॉक्टर भी सक्सेस है, यहाँ पे इंजीनियर भी सक्सेस है, हर कोई सक्सेस स्टोरी खुद की लिख सकता है। कितना प्राउड मोमेंट है कि यहाँ पे एक हाउसवाइफ ने सक्सेस स्टोरी लिख दी, आपने सपने उसने जो पूरे किए वो आज आपके साथ शेयर किए, वो आप कर सकते हो। फरवरी मंथ जो वैलेंटाइन मंथ होता है, बहुत सारे ऑफर के साथ आया है। हमेशा ही हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ रहता है, यानी छोटी से छोटी क्वेरीज आपकी सॉल्व की जाती है, आपकी हेल्प की जाती है। हर महीने के 9 तारीख को आपके बैंक में पैसा आ जाता है, इतने इंटीग्रिटी के साथ हमारी कंपनी हमारे साथ चल रही है। तो दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि समीर मोदी सर का सपना हम साकार करें। उनका जो सपना है घर घर तक आजादी पहुंचाना, उसके लिए हम एफर्ट्स करें। यहाँ पे ना हमें कोई ट्यूशन की फीस देनी है, ना किसी को पेड करना है, यहाँ पे सब फ्री ऑफ चार्ज है। आप मेरा कल मॉर्निंग सेशन से जुड़िए, रात के सेशन से जुड़िए, और कंपनी की जितनी भी ट्रेनिंग आती है आपके साथ शेयर होती है, तो आपने जुड़ना उनके साथ भी है। आपके साथ साथ टीम को साथ में लेके आइए, जब होती है जब आप टीम को साथ में लेके आते हो दोस्तों, तो ये सपना देखना चालू कीजिए, मुझे तो सक्सेस चाहिए, मुझे तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसके साथ मेरे टीम का भी सपना पूरा होना चाहिए। दोस्तों, कुछ काम कर जाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, मंत्र को फॉलो कर लीजिए, फिर देखिए आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे जहां पे आपका सपना है। सुरेखा मैम के मीटिंग में भी हम इसी तरह सेशन को लेके जाएंगे, इसी तरह हम मीटिंग को बिल्ड करेंगे। जैसे आज डॉक्टर शक्ति सर मीटिंग्स लेते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, इतनी बड़ी टीम हमारी होगी। तो प्लानर के साथ काम करना है, फरवरी मंथ के ऑफर को सुपर डुपर हिट करना है। और सही में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुनीश सर का, मैं जो मेरी टीम सपना देखती है उनके प्लेटफॉर्म पे आने का, उनके प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग करने का मुनीश सर ने मौका दिया और वो सपना उनका साकार हुआ। थैंक यू सो मच सर।
और सर आपने बोला वैसे ही पूरा प्लानर के साथ काम हुआ, लोग इतने ज्यादा खुश है कि उनकी काम करने की स्पीड ही डबल हो गई है। थैंक यू सो मच। और इंद्र जी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे हर एक मीटिंग का वीडियो तुरंत रात में ही करके हमारे साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों इसको बहुत टाइम देना होता है, देखिए सर की हम लाइंस नहीं हैं, हमारे लिए सर इतना वक्त देते हैं, इतने एफर्ट्स लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, कितना जबरदस्त इनका, सही में सर आपका वर्क जो है वो तारीफ़े काबिल है। और हमारी सारी टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने हर एक वीडियो हमारे साथ शेयर किया है। और तहे दिल से आप सारे पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू गॉड कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आज मीटिंग में थे और मेरी टीम का इतना हौसला आपने मैसेजेस से बढ़ाया है। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दोस्तों आपने किए हैं कि मेरी सारी टीम डबल स्पीड से काम करेगी और फरवरी मंथ को सुपर डुपर हिट करेगी। आपने भी आपके सक्सेस स्टोरी का सपना देखना है और इस प्लेटफॉर्म पे आना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम जल्द से जल्द नेक्स्ट सेशन में, और इसके बाद भी जब भी मौका मिले एक से बढ़कर एक सेशन हम आपके लिए आएंगे, लेके आएंगे। थैंक यू।